सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक और चैप्टर लेके आ चुका हूँ, वो होने वाला है चैप्टर 23। वेबसाइट टेस्टिंग की सीरीज चल रही है जिसमें टेस्ट केसेस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हर एक चीज़ टेस्ट केसेस के बारे में क्या हो सकती है और उससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे कवर करता हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला टेस्ट केसेस फॉर टूल टिप। टूल टिप के बारे में मैंने थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट इसमें थोड़ा सा हम टेस्ट केसेस ज़्यादा देखेंगे टूल टिप के बारे में कि हम कैसे टूल टिप को हम टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास टूल टिप आया तो उसको हम कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करता हूँ, जल्दी से आपको बता देता हूँ कि टूल टिप के बारे में क्या क्या हो सकता है टेस्ट केसेस। बहुत छोटा वीडियो होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जल्दी शुरू करता है। जैसे टूल टिप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे प्लस का आइकन या किसी का भी आप होवर करते हुए जाएंगे, मतलब माउस पॉइंटर को, जैसे यहाँ पे मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ इसका, कि जैसे आपने इसके ऊपर होवर किया, होवर करते ही आपको ये सारी चीज़ें दिखने लग जाती है, यू कैन ऐड टेक्स्ट फोटोज एंड ग्राफिक टू योर डिज़ाइन, इस तरह का आपको दिखने लग जाता है, तो इसी को ही हम कहते हैं टूल टिप। तो इस टूल टिप के कौन कौन से टेस्ट केसेस हो सकते हैं, जैसे ये क्रॉस मार्क हो गया, इसके विड्थ क्या होगी, अलाइनमेंट क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट केस देख लेते हैं, वेरीफाइड टूल टिप विड्थ एंड हाइट शुड बी अलाइंड और नॉट, जिसकी जो हाइट और विड्थ है वो अलाइन होना चाहिए हमारा। ठीक है, मेक श्योर दैट द टेस्ट शोन ऑन द टूल टिप इज अलाइंड और नॉट। जी, इसमें तो आपकी टूल टिप की बात मैं कर लिया कि विड्थ और हाइट आपकी अलाइन होनी चाहिए, अब इसके अंदर जो टेस्ट लिखा हुआ है वो भी तो अलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टूल टिप की तो हाइट और विड्थ हो गई बट उसके अंदर का जो टेस्ट है उसका वो कहीं लेफ्ट भाग रहा है, राइट भाग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ है वही चीज़ होनी चाहिए। वेरीफाई वेदर द एक्यूरेट टेस्ट शोन ऑन द माउस होवर ऑन द टूल टिप और नॉट, जो भी एक्यूरेट टेस्ट आपको दिखाना है वही शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आपने इमेज पे इमेज वाले पे ले गए या किसी पे ले गए तो वहाँ पे इमेज के बारे में डिफाइन कर रखा है या नहीं कर रखा है, ये नहीं है कि इमेज पे आप ले गए तो किसी और के बारे में डिफाइन कर रखा है, जो चीज़ है वही टेस्ट आपको शो होना चाहिए उस माउस होवर के ऊपर। अब इसका हम देख लेते हैं, चौथा वाला बाद में देखेंगे, इसका पहले देख लेते हैं। विकिपीडिया ले लिया और एक मैंने सेकंड रिज्यूमे जीनियस वाला ले लिया। तो जैसे विकिपीडिया में आप कोई से भी है ना लिंक टेस्ट होता है ना उस पर आप होवर करेंगे तो उसके बारे में वो डिफाइन करने लगेगा। अब ये देखिए जो होवर है उसकी हाइट और विड्थ ये वाली चीज़ हो गई, इसके अंदर जो टेस्ट है वो कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइंग है, वो सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे टेस्ट ओरिकल पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे सिर्फ टेस्ट दे रखा है, वो भी हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ, और यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है, देख रहे हो ना, ये टूल टिप यहाँ पे एरो करके आ गया, जहाँ पे मैं माउस कर्सर लेके जा रहा हूँ वहाँ से एरो होते हुए इस पर लेके जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देख लेते हैं एक बार रिज्यूमे टेम्पलेट्स पे अगर हम देखें कलर, ये कलर पैलेट दे रखा है, अगर मैं कलर पैलेट पे होवर करता हुआ जाता हूँ तो ये हमें टूल टिप दिखाता है, सिर्फ कलर का नाम दिखाता है, इस पर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। बट इस टूल टिप में क्या था कि हम एक्शन ले सकते हैं, जैसे आपने किया इस पर होने के बाद इस टूल टिप पे अगर आप जाएंगे तो इस पर आप क्लिक भी करके है ना उस वाले वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये देख रहे हो ना होवर वाले पे माउस पॉइंटर का आपने साइन दे दिया, हैंड कर्सर का साइन दे रखा है, मतलब ये क्लिक होके रिडायरेक्ट कर जाएगा। ठीक है, वेरीफाई एज द यूजर मूव पॉइंटर फ्रॉम द आइकन और लिंक टूल टिप टेक्स्ट शुड बी हिडन और नॉट, जैसे अगर आप मूव आउट करते हैं उस पॉइंटर को वो टूल टिप हिडन हो रहा है या नहीं, जैसे इस पे गए तो आपको टूल टिप दिख गया, जैसे यहाँ से हटाया वो टूल टिप हमारा नहीं दिखना चाहिए, ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। ठीक है, वेरीफाई ऑन द माउस होवर कलर ऑन द आइकन चेंज, जैसे आपने माउस होवर किया तो उसका आइकन का कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे आप गए तो इस पर कलर चेंज नहीं हो रहा, बस अंडरलाइन आ रहा है। किसी किसी पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप जाते हैं तो ये आप देख रहे हैं ना इस पर बैकग्राउंड कलर का है ना शेडो सा आ जा रहा है, तो वो हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरह के भी हम टेस्ट केसेस परफॉर्म कर सकते हैं टूल टिप पे। वेरीफाई ऑन द माउस होवर दैट द माउस पॉइंटर चेंजेस और नॉट, माउस होवर करने पे माउस पॉइंटर चेंज हो रहा है, जैसे ये अभी एरो वाला आ रहा है, जैसे इस पर हम गए हैंड कर्सर आ गया, ऐसे ही हम विकिपीडिया पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी हैंड कर्सर आ गया, माउस पॉइंटर हमारा चेंज हो गया। वेरीफाई आइकन इज अलाइन विद द लेबल टेस्ट ऑन विच द टूल टिप इज इम्प्लीमेंटेड, जो भी आइकन है इसके अंदर कोई भी आइकन आया है, जैसे ये इमेज आ गई तो वो उसका अलाइनमेंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हम देख सकते हैं, या फिर ये वाला एक आइकन हो गया, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी आइकन नहीं है बट अगर आइकन होता तो वो अलाइनमेंट है या नहीं है उसके अंदर का देख सकते हैं। वेरीफाइड टेक्स्ट फ्रॉम द मैक्सिमम लेंथ ऑन द टूल टिप शुड बी ट्रिम, अगर हमारे पास टूल टिप में टेक्स्ट दिखाने के लिए है और मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा जा रहा है तो उसे ट्रिम कर दो, मतलब जहां तक दिखाना उसके बाद डॉट 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 कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट इसमें दिखाया था ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे खोला तो इसका यहाँ से नहीं, ये देखते हैं टेस्ट ओरेकल, यहाँ पे देख रहे हैं ना टेक्स्ट कुछ ज्यादा है टूल टिप से, मतलब मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा है तो इन्होंने हिडन कर दिया, किसी किसी में आपको डॉट डॉट दिख जाएगा ऐसे करके। वेरीफाई डेट द टूल टिप टेस्ट शुड बी रिलेवेंट एंड वेल एक्सप्लेन टू द यूजर, टूल टिप का टेस्ट जो है वो साफ बताना चाहिए कि है ना क्या चीज आप करवाना चाहते हो और क्या चीज है उसके में, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कलर कौन सा है तो इस पर मैंने किया
तो ब्लू दिखा दिया, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्राउन बता दिया, इस तरह से पर्पल बता दिया। तो जो भी चीज़ है वो इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली देना चाहिए जो भी चीज़ आप करवाना चाहते हो उसमें। वेरीफाई देयर शुड नॉट बी एनी स्पेलिंग मिस्टेक फॉर द कंटेंट एडेड टू ऑन द टूल टिप। जो भी कंटेंट आपका एड है उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपका कलर का बताया था, तो ब्राउन के बदले ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई गलती करता नहीं है। फिर भी अगर हो जाती है तो ये चीज़ आप बग बना के डायरेक्ट रिपोर्ट मानना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर बस खत्म हो गया, इतना ही था हमारा टूल टिप के बारे में, इससे ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है। टूल टिप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक करके जरूर जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए थोड़ी सी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए तो इस वाला चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और पीडीएफ और सारे डॉक्यूमेंट्स मिलाने के लिए यहाँ पे मोंती अकेडमी जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।